नमस्कार दोस्तों, एसयूएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान कक्षा सात में अपने अध्याय तीन पढ़ रहे थे, हमारी बदलती बदलती। आज का अपना टॉपिक है नदी द्वारा निर्मित शिलाकृति, यानी जो नदियां बहती है और उन नदियों के द्वारा जो इस धरातल पर निर्मित हमें विभिन्न आकृतियाँ ठीक है देखने को मिलती है। स्थल भाग की जो विभिन्न आकृतियां हम देखते हैं, उन आकृतियों के बारे में आज हमने जानेंगे। तो इसमें पहली जो आकृति का निर्माण होता है वो है जलप्रपात। जलप्रपात है जो नदी द्वारा निर्मित स्थल आकृति है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान पर स्थान से अत्यधिक भरपूर शेर या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, उसे जलप्रपात कहते हैं। उसे जलप्रपात कहते हैं। यानी ये जो नदी है ठीक है, ये नदी आ रही है, यहाँ पे घाटी है ठीक है। जब नदी का यहाँ पे जल गिरता है ठीक है, ढाल वाली घाटी है ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके की आकृति बनती है, वो क्या कहलाती है, जलप्रपात ठीक है। तो जलप्रपात क्या होता है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल होती है ठीक है, और उस उन चट्टानों पे जब गिरती है ठीक है, जो पानी उतरता है नदी का वो ऊपर की ओर चलता है, इस घाटी में गिरती है और एक ऐसी युवाकार की घाटी की आकृति बनती है, जिसे क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। इसके बाद में दूसरी जो आकृति है वो बनती है विसर्ग। कौन सी बनती है, विसर्ग। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बह जाती है, तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े गुणों को विसर्ग कहते हैं ठीक है। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में इस तरह से ठीक है बहती है, अब ये जो बड़े मोड़ हैं ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। यानी जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तब वह मोड़ मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन जो बड़े मोड़ होते हैं ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो ये दूसरी जो आकृति नदी द्वारा निर्मित होती है वो कौन सी होती है, विसर्ग। तीसरा है तटबंध। तटबंध नदी के उत्तरी तटों को, नदी के तटों को तटबंध कहते हैं ठीक है। ये जो नदी है ठीक है, इसके जो ये किनारे हैं ठीक है, उथित होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, तटबंध।
इसके बाद में है विक्रिका, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, समुद्र तक पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। तथा नदी अनेक तरहों में विभाजित हो जाती है, तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? विद्रिका। क्या कहते हैं? विद्रिका। इन्हीं जो धाराएं होती है, इन्हीं धाराओं को क्या बोलते हैं? विद्रिका बोलते हैं। यानी समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का जो बहाव क्षेत्र है, ठीक है, प्रवाह है पानी का, वो कम हो जाता है, धीमा हो जाता है, और नदी क्या है, अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है, उसे अनेक धाराएं प्रवाहित होने लगती है, इन्हीं धाराओं को क्या कहते हैं? विद्रिका कहते हैं। तो इसके बाद में हमने चार जल प्रवाह, विश्रम, तर्पण और विद्रिका के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं समुद्री गुफा। इसके बाद नेक्स्ट जो आकृति है वो है समुद्री गुफा। समुद्री गुफा क्या होती है? ये हमेशा समुद्री जो तरंगे होती है लगातार क्या होती है? सेलों से टकराती है, और जिससे क्या है, इनमें दरार विकसित हो जाती है, समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, इनको क्या बोलते हैं? समुद्री गुफा। नेक्स्ट पांचवी आकृति है समुद्री गुफा। समुद्री तरंगे लगातार सेलों से टकराती रहती है। समय के साथ ये बड़ी और थोड़ी होती है, समय के साथ ये बड़ी और थोड़ी होती है। इन्हें समुद्री गुफा कहते हैं। समुद्री गुफा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आकृति है वो है समुद्र भृंगु। समुद्र भृंगु क्या होते हैं? समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर झुके हुए ऊंचे सेलिए तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्र भृगु कहते हैं, यानी जो हमारे समुद्र होते हैं, ठीक है, इनके जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर उठे हुए जो ऊंचे सेलिए तट होते हैं, सेल चट्टाने, ठीक है, उनके जो किनारे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? समुद्र भृगु होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आकृति है वो है शतरंज सेल। कौन सी है? शतरंज सेल। अब जानते हैं शतरंज सेल के बारे में। रेगिस्तान में शतरंज के आकार की सेल पाए जाते हैं। रेगिस्तान में शतरंज के आकार के सेल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सतर्क कहते हैं। तो पहले तो आज हमने नदी द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में पढ़ा, जिनमें हमने जो सात आकृतियां हैं नदियों द्वारा निर्मित उनके बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे।